तो आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कॉइन स्विच के अंदर में यदि बैंक जो है आपका यूपीआई डिजेबल हो तो आप किस प्रकार से इसमें ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको होम पे जाना होगा, होम बटन में, और यहाँ पर जाने के बाद आपको देखिए सबसे ऊपर में लिखता है एक ऑप्शन है जिसका नाम है डिपॉजिट INR। जैसे डिपॉजिट INR पर आप अगर एक बार क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको लिखता है कि कितने अमाउंट आपको यहाँ इसके अंदर में डालने हैं। यदि मान के चलते हैं कि यहाँ पर हम 1000 रुपये डालते हैं और बाद में हम इसको विड्रावल कर लेना है, तो हमने इस पर डिपॉजिट किया। डिपॉजिट करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ एक ऑप्शन है बैंक ट्रांसफ़र, क्योंकि UPI तो आपका डिजेबल है, आपका काम कर नहीं पा रहा है और आप चाहते हैं कि इसमें बैलेंस लगाएं, तो यहाँ पे बैंक ट्रांसफ़र लिखा हुआ है। बैंक ट्रांसफ़र में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो भी आपके अकाउंट जुड़े हुए होंगे वह अकाउंट यहाँ पर शो करेंगे। जैसे हमारा पेटीएम पेमेंट बैंक जुड़ा हुआ है तो पेटीएम पेमेंट बैंक यहाँ पर शो कर रहा है। इसके बाद ट्रांसफ़र किससे करना है, यह बेनिफिशियरी का नाम बता रहा है कि ये डाल सकते हैं। IDBI बैंक से अगर आप चाह रहे हैं तो IDBI बैंक में आपको यहाँ पे पैसे डालने हैं। और यहाँ पर देखिए VKBR, यहाँ पर अकाउंट में एक ऑप्शन है VKBR, इसको भी साथ में डालना आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इसको करेंगे कैसे, क्या कि सबसे पहले ना UPI का ऑप्शन आपको यहाँ पे पेटीएम के अंदर में हमें इंस्टॉल करना होगा। अगर आपके पास पेटीएम नहीं है तो पेटीएम को मेरे लिंक से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर आपको सबसे पहले UPI डिजेबल करना होगा। तो अब हम चलते हैं सीधे डायरेक्ट यहाँ से, हम कॉपी कर लेते हैं अकाउंट नंबर। ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका सिंबल बना हुआ है इस सिंबल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर अकाउंट नंबर कॉपी हो जाएगा। अब आपको जाना है पेटीएम बैंक में, हम यहाँ से चलते हैं पेटीएम के अंदर में, पेटीएम। इसके बाद आपको यहाँ पर आने हैं, यहाँ पर जो आप निशान देख रहे हैं तीन डॉट का निशान, आपको यहाँ पर क्लिक करने हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे में आना है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक सेटिंग का ऑप्शन, यहाँ पर पेमेंट। ध्यान रखना है कि आपको जो सेटिंग का ऑप्शन है आपको प्रोफाइल सेटिंग में नहीं जाना है, आपको जाना है पेमेंट सेटिंग के ऊपर में। आप जैसे ही पेमेंट सेटिंग के ऊपर में आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा कि आपको कोना में आपको यहां एक UPI का ऑप्शन लिखा हुआ है, ठीक है। ध्यान रखना है ये आपके पास यहाँ पर UPI का ऑप्शन लिखा हुआ है, इस UPI के ऑप्शन पर आपको क्लिक करने हैं, UPI एंड बैंकिंग अकाउंट पर क्लिक करना है। इसके बाद ध्यान रखना ये चीज़ है कि आपको यहाँ पर जो भी बैंक आपको लेने हैं UPI जो भी लेना है, जैसे कि हमको पेटीएम से लेना है तो आप पेटीएम रख सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा से लेना बैंक ऑफ बड़ौदा आप यहाँ पे रख सकते हैं। इसके साथ है कि यहाँ पर कोना में अगर आप देखते हैं तो कोना में ये 3 डॉट मिलेंगे, ध्यान देना यहाँ पर जो कोना है इस कॉर्नर में आपको 3 डॉट मिलेंगे, ये कोना में 3 डॉट मिलेंगे, इस 3 डॉट पर आपको एक बार क्लिक करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ डिजेबल UPI, ठीक है। तो इस डिजेबल UPI पे एक बार जैसे ही क्लिक करके ओके करेंगे तो आपका यहाँ पर UPI इनेबल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ देखिएगा आपको यहाँ लिखा हुआ है रिएक्टिवेट UPI अकाउंट, तो आपको यहाँ पे डिजेबल करने के बाद अब यहाँ पर जाना है पेटीएम में, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर देखिए कॉइन स्विच के अकाउंट जो था हमने इस अकाउंट को यहाँ से कॉपी कर लिया था। तो अब हमें जाने हैं यहाँ पर, जिस तरह से आपको बैंक अकाउंट में जाना है, जिस तरह से आपको ट्रांसफ़र करने हैं, आप यहाँ से चले जाएँगे तो बैंक अकाउंट, इसके बाद आपको आना है इंटर बैंक अकाउंट डिटेल्स, यहाँ पर जाने हैं। इसके बाद जिस बैंक में आपको पैसे ट्रांसफ़र करना है, जैसे कि मान के चलते हैं IDBI में करना है तो IDBI बैंक यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पूछता है कि अकाउंट नंबर, जो आपने कॉपी किया था उस अकाउंट नंबर को यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब पेस्ट कीजिएगा तो सिर्फ नंबर ही आएगा, तो आपको यहाँ पर टाइप करने होंगे, यहाँ पे ABC पर ध्यान रखना है, आपको ABC पर यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। ABC पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ लिखने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, और देखिए यहाँ पर क्या लिखना है VKBR, ठीक है। तो आपको यहाँ पे टाइप करने हैं, देखिए यहाँ पर पहले से दिया गया है VKBR, जो कि हमने पहले भी इसे डाउनलोड किया था। अब इसको यहाँ से हम कर लेते हैं बाकी सारे को यहाँ से क्लोज, ठीक है। एक बार अकाउंट अपना वेरीफाई कर ले सकते हैं, लास्ट में 077 आपका है, देखिए लास्ट में 077 यानी 6077 यानी 4093952 4093952 6077
इसके बाद अब हमें जाने हैं आईएफएससी कोड, इसको जो क्या करना है कॉपी कर लेना है और आईएफएससी कोड भी आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, जैसे आप आईएफएससी कोड डालेंगे यहाँ पे टिक आउट लग जाएगी और यहाँ पर आपको कर देना है प्रोसीड। प्रोसीड करने के बाद अकाउंट होल्डर नेम पूछना है जिनके पास आपको डालना है। तो मान के चलते हैं हमको डाल रहे हैं क्वाइन स्विच के पास, तो आप यहाँ पर टाइप करेंगे क्वाइन स्विच। ठीक है, हमने क्वाइन स्विच करके यहाँ पर कर दिया प्रोसीड। एक बार फिर से मांग रहा है री एंटर बैंक अकाउंट नंबर, तो आप यहां से री एंटर एबीसी पर क्लिक करना है। आपको यहां से एबीसी पर क्लिक करने हैं और यहां पर वी के बी आर और जो अकाउंट नंबर, या तो आप यहां से भी इसको कॉपी कर सकते हैं, पूरे अकाउंट नंबर को कॉपी करके आप यहां पर पेस्ट करने का ऑप्शन आपको दिया गया है, आप यहाँ से पेस्ट करा ले सकते हैं। या तो आपको सर्च में दिख रही है तो आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। तो ये हमारा कंफर्म हो गया, जब ये अकाउंट हो गया इसके बाद हमें करना है प्रोसीड टू पे। अगर हमने 1000 लिया तो चलिए हमने यहाँ पर 1000 डाल देते हैं और ये पेटीएम पे बैंक से है और इसको हम कर देना है पे। जैसे ही पे करेंगे हमारा यहाँ पर पूछेगा पासवर्ड, तो हम यहाँ पर दे देते हैं। तो हमारा यहाँ पर देखिए 1000 रुपये हमने जैसे ही किया था यहाँ पर ऐड अकाउंट से कटे हैं और ये थोड़ी देर में यानी कि IMPS के द्वारा हुआ है, तो करीब करीब 5 मिनट में जो है आपका सक्सेसफुल लेता है। तो हमने ये पेटीएम के माध्यम से और IMPS के थ्रू जो है आपका बिल्कुल फ्री हमने यहाँ पे अकाउंट में और डाल दिया है। तो अगर आपको भी ये परेशानी हो रही होगी, अगर आप चाह रहे होंगे कि हम क्वाइन स्विच में पैसे डालना चाहते हैं पर UPI डिजेबल का ऑप्शन नहीं दे रहा, तो आप बैंक के माध्यम से भी इसमें आप डाल सकते हैं। तो अब हम थोड़ी देर बाद जो है कि यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा पॉज करते हैं, जब बैलेंस ऐड होगी तो हम एक बार आपको कंफर्म कर दें। तो इस प्रकार से यहाँ पे बैलेंस जो है कि यहाँ पर देखिए आपका ऐड हो गया। और अगर आप पोर्टफोलियो में देखना चाहते हैं तो पोर्टफोलियो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। थोड़ा सा नेटवर्क आपका सर्वर स्लो होने के कारण आपका थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा। तो अभी 2400 से आपका 3400 के पास आई हुई है और ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में हम आपको दिखला। और ये यहाँ पे प्रोफाइल पे आकर के आप यहाँ पर हिस्ट्री चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका 1000 रुपये अभी के समय में यहाँ पर देखिए सक्सेस यहाँ पर हो चुके हैं 17 मई आपका 2:04 में। तो इस प्रकार से अगर आप चाहें UPI आपका डिजेबल है और आप इसमें कॉइन स्विच में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।